आज के प्रातः क्लास है चल रहा था 12 जनवरी 1969 रविवार को चौथी पीच पे बात चल रही थी। मध्य में कि बाप बहुत जन्मों की बात समझाते हैं, क्लियर बताते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में पहले नंबर में तुम कौन था। हेलो, साक्षात करो, साक्षात्कार करो, पहले तुम ये था, पीछे तुम निकलते आए हो, नीचे आते आते अभी देखो क्या बन गए। दुनिया क्या है देखो, कितनी बड़ी दुनिया हो गई, कितने मनुष्य, कितने मकान हो गए। विचार करो, इतनी बड़ी दुनिया में इतने देशों की राजधानी का कितनी राजधानियां, क्या होगा। जरूर ये जहां रहते होंगे हीरे जवाहर के महल होंगे, तो बुद्धि में आ जाता है ना बच्चे कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी हमारे स्वर्गीय साथी तो बिखर गए, अभी फिर संगठित होकर के स्वर्ग बनाएंगे। फिर मकान बनाएंगे, पहले तो संगठन रूपी मकान बनाएंगे, जैसे रहने का मकान बनाया जाता है ना, ऐसे नहीं है जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई वो नीचे से स्वर्ग निकल आया। जो द्वारिका कलपुर में नीचे चली गई थी वो नीचे से निकल आएगी। नाम रख दिया द्वारिका, द्वारिका तो वो तो शास्त्रों में ये सभी लिख दिया है, जो भी शास्त्र हैं वो सब इसी समय की यादगार हैं, समझे ना। शासन करने की यादगार है, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, शूटिंग पीरियड की बात है। अब वो शास्त्र नाम शासन करने के विधान को कहेंगे तो नाम चल गया, तो हम भी शास्त्र ही कहेंगे और क्या नाम बतावे, और कोई नाम हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि नाम जितने भी है वो सब काम के आधार पर रखे जाते हैं। पुस्तक रखेंगे, शास्त्र रखेंगे, क्योंकि दूसरी जो किताबें हैं पढ़ाई की, दूसरी किताब नावल है, और ये जो है पढ़ने का है शास्त्र, इसको फिर शास्त्र, शासन करने का विधान या पुस्तक नाम देते। जैसे आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट का भारत में नाम है, पुस्तक का नाम है ना,
तो बुद्धि में बैठता है ना, वो है संविधान, पुस्तक का नाम। अब वो नाविल्स है, नाविल्स की पढ़ाई। अब बाप तो बताते हैं इसे दुनिया में सबसे नीचे गिराने के है जो साधन है वो बाइस्कोप और ये नाविल्स उपन्यास। तो देखो ये शास्त्र हैं, नाविल्स हैं, पुस्तकें हैं, इन तीनों में क्या फर्क है? अच्छा, वो भक्ति मार्ग की जो भी पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, वो भक्ति मार्ग के भक्ति मार्ग नाम ही दिया हुआ है। भागते रहो, बुद्धि को भगाते रहो, इंद्रियों को भगाते रहो, ये तीर्थ यात्रा, वो तीर्थ यात्रा। अंधश्रद्धा सिखाते हैं, तो वो अंधश्रद्धा में हम नीचे गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जिनको भगत कहा जाता है, जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको भगत कहते हैं। देखो उनके हाथों में शास्त्र होंगे ना, ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते हैं? शास्त्र दिखाते हैं। और रावण के हाथ में और शास्त्र दिखाते हैं। तो वो भगत हैं, ये भगत आदमी है, आदम की औलाद। तो ये भक्ति के लिए बाप ने ये सब समझा है ना बच्ची। तो दो बातें हैं, भक्ति और ज्ञान। क्या अंतर है? भक्ति अनेक मनुष्यों से आती है, शास्त्र अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं, और ज्ञान, ज्ञान तो एक से आता है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान से। नाम ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अच्छा, अभी फिर वैराग्य किसका करें? ये अंधश्रद्धा युक्त भक्ति का वैराग करें, जिससे नीचे गिरते आए हैं जन्म जन्मांतर। या ज्ञान का वैराग करें, जो ज्ञान ऊंचे ते ऊंचे एक आत्मा के द्वारा, जिसे आत्माओं का बाप परम पिता कहा जाता है, उससे ऊंचा कोई बाप होता ही नहीं दुनिया में। तो वो भक्त भी समझेंगे कि हाँ, भक्ति का वैराग करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में अंधश्रद्धा भरी हुई है। वैराग किस लिए करना चाहिए? क्योंकि अभी ज्ञान मिल रहा है ऊंचे ते ऊंचे बाप का। तो फिर ज्ञान से तुम ऊंच बनते हो। भक्ति से तुम नीचे बनते हो। देखो, कौड़ी तुल्य जीवन बन गया है मनुष्यों की बुद्धि में। सारी जिंदगी क्या याद आती रहती है पुरुषों को? खास क्या याद आता है? कौड़ी की तरफ बुद्धि भागती है। तो ये समझ अभी मिली है तुम बच्चों को है? ये मनुष्य बहुत जानते हैं कि भक्ति जब पूरी होती है तो भक्ति के पीछे ज्ञान मिलता है, भगवान मिलता है, आकर ज्ञान देता है। पीछे जब ज्ञान मिला तो भक्ति का वैराग करना है ना।
करना भी है और दूसरों को कराना भी है। और ये काम बाप को कराना है, भक्ति से भरा। क्योंकि बच्ची ये भक्ति दुर्गति को देने वाली है, ज्ञान सदगति देने वाला है। तो क्या करेंगी बच्चे? जरूर ज्ञान सुनेंगे ना। हाँ, तो का बात समझाए दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। तो नाम है भक्ति और ज्ञान। भक्तिमान दुर्गति, ज्ञानमान सदगति। तुम बच्चे अभी जानते हो ना कि बरोबर भक्ति में हम इतना जन्म दुखी रहे, दुखी होते चले गए, आयु कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि बीमारियां वगैरह वगैरह, दुख बहुत ही दुख, बहुत दुख बढ़ता गया। अभी बाप आए हुए हैं, देह का बाप, हमको बैठ करके फिर सुखदाई बनाते हैं। भक्ति को छुड़ाए देते हैं, इसे पुरानी दुनिया से वैराग दिलाई देते हैं। क्योंकि ये दुनिया तो खलास होने वाली है ना, ऐसा बारूद बन चुका ना दुनिया को खलास करने का। खलास पहले करेंगे या सुखदाम पहले रचेंगे? है, पहले सुखदाम की राजधानी रचते हैं। सुखदाम को ही फिर स्वर्ग भी कहा जाता है। 12 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो देखो, उस सुखदाम में जाने के लिए तुम ही आकर के पढ़ते हो। जो अब सुखदाम में चलने वाले हो, है? अभी इस धर्म के ऊपर तो बात नहीं रही ना, क्योंकि इस दुनिया के तो पुरानी दुनिया के सारे धर्म तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं ये जो ज्ञान है ऊंचे से ऊंचे बाप का दिया हुआ, वो कोई भी आत्मा ले सकती है। और वो आत्मा कोई सा भी धर्म हो, क्योंकि सभी धर्म देहधारी हैं, शरीरधारी। क्योंकि आत्मा को तो कोई धर्म होता ही नहीं है ना। आत्मा तो आत्मा ही है, कहेंगे आत्मा ही आत्मा। पीछे देखो, सब कहते हैं ना, जब आत्मा शरीर धारण करती है गर्भ में, तो कहते हैं कि इस आत्मा के शरीर का धर्म फलाना है, जन्म लेती है शरीर। तो कहेंगे इस आत्मा के शरीर का धर्म है। अब आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा एक तो बिंदु मुआफिक है,
और बिंदु तो अति सूक्ष्म, उसी की कोई लंबाई चौड़ाई तो माप ही नहीं सकते, तो उसे बिंदु माफिक आत्मा का धर्म शांति, शांत, क्योंकि आत्मा का शांत धर्म शांत देश में रहती है, शांति धाम में, जिसका फिर नाम मुक्ति भी रख देते। कैसे मुक्ति? अशांति की दुनिया से मुक्ति हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। अनेक नामों का ये नाम है मुक्ति धाम वाला, परम धाम कहो, शांति धाम कहो, आत्मलोक कहो। अब मुक्ति देखो अपना नाम है, और दूसरे दूसरे का बहुत ही नाम है। क्योंकि साहब देह के बंधन में बंधे हुए हैं, दूसरे जो भी देहधारी धर्म है, इंग्लिश में मुक्ति कहते होंगे क्या? मुक्ति कहते हैं, कोई समझेंगे, कोई समझते होंगे मुक्ति कहने से? नहीं। तो अभी बाप तो समझाते हैं, क्या बात है कि जो असल है अंग्रेज धर्म के होते हैं ना, अंग्रेजी धर्म क्या होता है, क्रिश्चियन धर्म, उनको तो वो दुख दर्दों से, अशांति से, अशांति की दुनिया में ही रहना होता है सदाकाल के लिए, उनको मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती, मिलती है जो क्रिश्चियन धर्म के पक्के होते हैं। तो अभी बाप तो समझाते हैं इसमें, और फिर सबका हक है समझने का। क्योंकि अनेक धर्मों के बहुत बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो भारतवासी हैं, जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। भारतवासी हिंदू बने, हिंदू से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए ना, हिंदू ही धर्म में कन्वर्ट हुए हैं और में, तो वो और धर्म वाले जो पत्ते हैं है, दूसरे में जाके मिक्स हो गए, वो सब फिर अपने ही धर्म में आने हैं। जैसे उन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे वैसे ही इधर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर उनको मिक्स होने का ही है, उनकी आत्मा में ये पार्ट नुदा हुआ है। ये भी समझते हो? जिन्होंने जो जो धर्म अपनाया है, समझते हैं अपना हिंदू धर्म पहले था, देवता धर्म छोड़ करके हिंदू बने, ये देवी देवता धर्म छोड़ दिया, तो वो जो जो भी दूसरे धर्म में गए हुए हैं वो सब पत्ते सृष्टि रूपी वृक्ष है ना,
जिसका वर्णन गीता में भी है, वो सब चैतन्य पत्ते लौट करके अपने ही उस देवी देवता सनातन धर्म में आ जाएगा। तुम आगे चल करके देखेंगे ना, देखेंगे कि बहुत गए हैं, जब वापस आएंगे तो देखेंगे पीछे कोई किस लालच में चले गए, कोई किस प्रकार चले गए, कोई किस प्रकार चले गए, भिन्न भिन्न प्रकार के, पर गए तो जरूर हैं। तो फिर लौट करके उसी जगह वापस आ जाए जिस धर्म में पहले थे, उसी में आ जाएंगे। मुसलमान कितने धर्म में गए हुए हैं और सहज सहज मुसलमान जो हिंदू धर्म से बनते हैं ना, है उनको शेख कहा जाता है। बाकी तो बहुत ऐसे हैं जिनको जबरियन मुसलमान बनाया गया, सहज सहज नहीं बने, नाम देते हैं शेख मोहम्मद, ऐसे कहते हैं ना। अब नाम तो काम के आधार पर पढ़ते हैं ना, है ऐसा काम किया है पूर्व जन्म में है कि मुंह में मद दिखाई पड़ता है, तो शेख जो अक्षर है वो है तो असल हिंदू, जो फिर हिंदू से जाकर के दूसरे जन्म में पले हैं। तो देखो शेख मोहम्मद नाम पड़ गया, अब नाम पड़ गया क्यों, वो तो जान लिया, लेकिन मुसलमान नाम पड़ गया क्यों, जैसा काम वैसा नाम, किसको मानते, वो बहुत बड़ा मूसल को मानते हैं। पहले जो मुसलमान थे ना, मोहम्मद के फॉलोअर्स को मुसलमान कहा जाता है, वो सारे मुसलमान पहले इस्लामी थे, और वो इस्लामी क्या देवी देवताओं की मूर्तियों को भी पूजते थे और सबसे जाती शिवलिंग को भी पूजते थे, क्या जो पुरानी पुरानी विदेशों की खुदाइयां है ना, उनमें सबसे जास्ती कौन सी मूर्तियां मिली, शिवलिंग मिला। पर ये शेख शेख ही मारते हैं, ये क्या है, ये शेख कोई नाम थोड़े ही है, ये भी इनके काम के आधार पर नाम रख दिया है शेख, बहुत शेख ही मारते, ये कोई नाम नहीं है शेख, ये नाम तो बदल करके आया हुआ है, हिंदू से बदल करके शेख नाम रख दिया। तो अभी इन सब बातों से भी ये बातें नई समझाने की नई नई है, भले कुछ भी नहीं समझेंगे, अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पहले पहले उनको बाप का परिचय जरूर देना, बेहद के बाप का,
किनको, अरे किनकी बात हो रही है? जो शेख बन गए हैं मुसलमानों में से, मुसलमानों में उनको बाप का परिचय देंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा, जानेंगे कि दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र से दुनिया के होते हैं उन सब का एक बाप, बीज, बीज को बाप कहा जाता है ना, तो वो बाप मुसलमानों में क्या कहा जाता है पता है? आदम कहा जाता है। अंग्रेजों में क्या कहा जाता है? एडम कहा जाता है। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि उस बाप की बात में ही सारी मुझ पड़ गई है एकदम, क्योंकि सब धर्मों में सृष्टि का झाड़ दिखाते ही है अपने अपने तरीके से बनाया हुआ, तो झाड़ का तो कोई बीज बाप होता है ना, है? तो उस बाप को लेकर के अलग अलग नाम रख दिए, कोई ने नाम रख दिया आदिदेव, कोई ने नाम रख दिया आदम, कोई ने एडम, कोई ने आदिनाथ, कोई ने आदिश्वर, बड़ी मुझ पड़ गई है। क्योंकि जो हमको पढ़ाते हैं इस समय में, क्योंकि पढ़ाने वाला तो सिर्फ आत्मा तो नहीं होगा, पढ़ाने वाले दो हैं या एक है? दो हैं, एक आत्माओं का बाप और आत्माओं का बाप जिस आदम को पहले पहले पढ़ाई पढ़ाता है, जो गीता में लिखा है कि मैं आता हूं तो पहले पहले विवस्वत सूर्य को ज्ञान देता हूं, तो ये ज्ञान सूर्य उसका टाइटल है। तो वो सूर्य के जो बच्चे होते हैं वो सूर्यवंशी कहे जाएंगे ना, तो ये दो बाप हैं जो कंबाइंड होकर के इस समय में हमको पढ़ाते। ओम शांति।